Now coming to the next question. It's question number 4. A cricketer scores the following runs. 8 innings. 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. और आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? मीन निकालना है. और कितनी इनिंग्स हैं? 8 इनिंग्स. सो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था. मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, बिकॉज इसके दो रीज़न है. एक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, और आप इसमें कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. सो मीन निकालने के लिए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100, इन सबको प्लस करेंगे. और कितनी इनिंग्स हैं? 8 अपॉन में 8. सो 400 अपॉन में 8 आंसर इज 50. सो द आंसर इज 50. हेलो एवरीबॉडी, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स. तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये टेबल दे रखी. सो प्लेयर आपका ए बी एंड सी आपके 3 प्लेयर्स हैं, जिसमें गेम 1 में प्लेयर ए में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10 स्कोर किया है. प्लेयर बी ने गेम 1 में 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 एंड गेम 4 में 4. प्लेयर सी ने गेम 1 में 8, गेम 2 में 11, गेम 3 उसने खेला ही नहीं है और गेम 4 में 13. सो इस तरीके से आपको टेबल दी गई है. अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं इसमें कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया है. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम. आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? मीन निकालना है. और किसका निकालना है? ए का. सो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो ए का निकालना है. ए में आपने गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में उसने कितना स्कोर किया है? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में क्या आएगा? 4. चलिए प्लस कर लेते हैं. सो हमारा प्लस करके क्या आएगा? 50 अपॉन में 4. लेट्स डिवाइड. 2 2s are 4, 2 5s are 10. इट्स 25 अपॉन में 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12.5. तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट पार्ट का 12.5. सो उन्होंने हमसे
प्लेयर ए का पूछा था कि उसने कितने स्कोर करे हैं, 12.5. Now coming to the B part. To find the main number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? So question क्या कह रहा है आपसे? अब इन्होंने इस question में C की बात करी है, यानी कि C में इन्होंने गेम वन में एक तो 8 स्कोर किया है, गेम टू में 11 स्कोर किया है, गेम थ्री इन्होंने प्ले ही नहीं किया है और गेम फोर में 13 किया है. सो वुड यू डिवाइड, आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से या 4 से? सो द आंसर इज 3. वाई? बिकॉज उसने गेम थ्री तो उसने खेला ही नहीं है.